मेरठ के सुरूपुर थाना क्षेत्र के गोटका गांव में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका का पति ही है। पुलिस ने महिला के पति और ससुर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है। बता दें कि लक्ष्मी नाम की महिला की शादी 11 साल पहले सुरूपुर थाना क्षेत्र के गोटका गांव निवासी प्रदीप के साथ हुई थी। पवन खेती करता है। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और अन्य ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने कई बार जान का खतरा भी जताया था। सर, एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या करी है, किसने करी है, कौन आरोपी है? देखिए, थाना सरूपुर क्षेत्र के गांव गोदका में कल शाम की ये घटना है और देर रात्रि जो मृतका है उसके मायके वालों की तरफ से ये सूचना हमको दी गई। इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए जो पति है, ऐसा तफ्तीश में सामने आया है कि पति और पत्नी के बीच में विवाद था। शादी को 11 साल से ऊपर हो चुके हैं क्योंकि इनका 11 साल का बच्चा है, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका था, परंतु किसी घरेलू विवाद के चलते पति द्वारा गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी गई है। इसमें जो मौके पर मौजूद पति और ससुर थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अलग कतल तमंचा था उसे बरामद कर लिया गया है। सर, जो हत्या की वजह है, कोई घरेलू कलह या कोई अवैध संबंध या कोई और तो नहीं? नहीं, घरेलू कलह ही सामने आ रही है। सर, आपका क्या नाम है? संजीव पवार। संजीव पवार जी, कौन से गांव के वो प्रधान? मैं ग्राम प्रधान गोटका, सरूपुर ब्लॉक से। अच्छा, सरूपुर में एक महिला की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है, जैसा बताएंगे? हाँ, हत्या हुई है रात में, ये तो मैं नहीं बता सकता कैसे हत्या हुई है, लेकिन हत्या जरूर हुई है। बस सुबह रात में कोई केस हुआ तो गांव में सारे में फैल गई बात। कौन लोग थे जिनका ये लड़की ब्याही हुई थी? ये ठाकुर थे। क्या नाम है इन लोगों का, बच्ची का, लड़की का क्या नाम है जिसका? प्रदीप। लड़के का प्रदीप है और उसके बाप का नाम पवन है। मृतक का क्या नाम है? मृतक के नाम का मुझे नहीं पता। संजीव। संजीव भैया, बहन का मर्डर हुआ है, क्या पूरा मामला है? मर्डर हुआ है, उसके हस्बैंड ने उसका मर्डर किया है। रात को 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं वो कि वो छत उस पैर गिर गई, पेटी पैर गिर गई, सिर में चोट लगी। अच्छा। और उसके बाद फ़ोन वोन बंद कर लिया सबने। फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन करा गाड़ी को, वो जाके वहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि यहाँ मर्डर हो गया। अच्छा। हम वहाँ के रात को पहुँचे 2 बजे 2:30 बजे, तो उसका गोली यहाँ वो खून साफ कर रखा था बिल्कुल तरीके से, उन्होंने वहाँ अपनी सफाई पूरा कर रखा था। हमारे पहुँचने तैयारी थी उनकी दफा दफा करने की बॉडी को, लेकिन पुलिस पहुंच गई थी। फिर हम तुरंत हम पहुंच गए, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ दूसरे पारसी में, वो पहुंच गए, उनसे बदतमीजी करी उन्होंने पारसी वाले हमारी बुआ के उनसे लड़कों से, जो हम पे उखड़ता उखाड़ लेना, जो तुम पे होता हो पैसों का घमंड है ना, पता चल जाएगा उनको। 11 प्रदीप से हुई थी 2008 में, 3 बच्चे हैं। हाँ, उस दरोगा से रिटायर्ड है ना, उसमें बहुत घमंड है उसमें। हाँ, उसका जो बाप है लड़की से पहले भी कोई विवाद वगैरह हुआ? हाँ, हुआ, कई बार हुआ, बदतमीजी करी उन्होंने कई बार। हाँ, वो तो लड़की सीधी थी, वो चली सह जाती सारी बात, उसने कहा ही नहीं कि आज तक हमसे अन्य सालों को वहीं जान से मारते जाकर। सालों को मुकदमा दर्ज हो गया, बंद करवा दिए, बाप भी बंद करवा दिया, प्रदीप भी, लड़का भी, वो आत्महत्या में तब्दील करने की कोशिश में है उसे। हाँ, आत्महत्या करने की कोशिश करार देने, खुद गोली मार ली, इस हाथ पे कैसे मार लेगी लड़की गोली, यहाँ गोली लगी, वो गोली लेके घूम रही साथ, वो पहले भी प्लानिंग थी इस लगी। जनपद हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी जुआ खेलने की शिकायत को लेकर लाठी डंडों से पीटकर हत्या किए जाने के मामले में 2 लोगों को नाम बढ़ाने को लेकर हरपालपुर कनोज मार्ग कुसुमखुर पुल पर शव रखकर प्रदर्शन किया। अरवल पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की तो ग्रामीण पुलिस पर भड़क उठे और भिड़ गए। SDM क्षेत्र अधिकारी ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। इस बीच किसी ने पुलिस की जीप का शीशा भी तोड़ दिया। लगभग 2 घंटे के बाद स्थिति सामान्य हुई। 2 लोगों को नाम बढ़ाने को लेकर हरपालपुर कनोज मार्ग कुसुमखुर पुल पर शव रखकर प्रदर्शन किया। अरवल पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की तो ग्रामीण पुलिस पर भड़क उठे और भिड़ गए। SDM क्षेत्र अधिकारी ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। इस बीच किसी ने पुलिस की जीप का शीशा भी तोड़ दिया। लगभग 2 घंटे के बाद स्थिति सामान्य हुई। मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शहर के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।
मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस बार अतिवृष्टि के कारण मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें जन और धन दोनों हानि शामिल है। हमने केंद्र से 1600 करोड़ रुपए की मांग की है, जो कि केंद्र द्वारा अभी तक नहीं दिए गए, जबकि कर्नाटक और बिहार को राहत पैकेज दे दिया गया है। इस तरह केंद्र इस मुसीबत के समय में भी जनता के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सांसद चुन कर दिए हैं। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव पूर्ण वाली राजनीति कर रही है। जो शौचालय बने हैं, सुलभ शौचालय, कितने दिनों बाद उसको एक हफ्ते के अंदर जो सुलभ शौचालय बनाया उसको एक हफ्ते के अंदर उसको चालू करके व्यवस्थित कर लिया जाएगा। जो महिलाएं हैं वो खुले में जाती है शौच के लिए, तो इसके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती? अस्थायी व्यवस्था भी कर रहे हैं, जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती जब तक अस्थायी व्यवस्था से काम चलाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कौन से पद पे हैं आपका, क्या शुभ नाम है? पुलिस थाना सुंदरसी से 200 मीटर की दूरी पर अकोदिया रोड पर शाम 6 बजे ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरत की बात तो ये है कि घटनास्थल पर खड़े लोगों ने इनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि वहां मौजूद एक पत्रकार राहुल चौहान ने डालसो को तुरंत इसकी सूचना दी, और जिसके बाद डालसो घटनास्थल पर पहुंची। आरक्षक सोनू मीना ने तुरंत ही डायल 100 में बैठाकर सुंदरसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर अजीत राव ने शाजापुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। भीलवाड़ा मांडल विधानसभा के कांग्रेस विधायक और भीलवाड़ा डायरी के चेयरमैन रामलाल जाट के प्रयासों से करेड़ा तहसील में एक विशाल मेडिकल चिकित्सा शिविर का आयोजन 3 से 10 नवंबर तक होगा, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों के 10,000 से अधिक मरीजों की सभी प्रकार की बीमारी से संबंधित निशुल्क जांच की जाएगी व मुफ्त दवाइयां और ऑपरेशन करेड़ा मुख्यालय पर ही होंगे। 3 तारीख से जो करेड़ा में शल्य चिकित्सा जो कैंप लगाया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार, विजन इंडिया संस्था, सभी लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन वही मौके पर किया जाएगा। और इसके साथ ही जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है, खुद मुख्यमंत्री जी ने जब दवाई फ्री की थी तभी उनके मन में यह सोच थी कि गांव के जो वंचित लोग हैं, पैसे के अभाव में जो लोगों की मौत हो जाती है, उन लोगों के लिए, लेकिन आज उस चीज़ को भारत सरकार ने भी माना है उनके पद चिन्हों के चलते हुए। आज आयुष्मान जैसी योजनाएँ अशोक गहलोत जी की मदद की है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के करेड़ा तहसील के अंदर मोबाइल सर्जिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें विजन इंडिया मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, CMHO साहब सबका पूर्ण सहयोग है, उनकी वजह से, सबकी मदद से ये कैंप लगाया जा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा जयपुर से मोबाइल सर्जिकल टीम आती है, वो कभी इस जगह पर काम करती है, कभी उस जगह काम करती है, कैंप कराती है, परंतु भीलवाड़ा के डॉक्टर भीलवाड़ा की ही पब्लिक को सेवा करें और उनको भीलवाड़ा के अंदर ऑफिस फॉलोअप में जो पेशेंट दिखाने आएंगे उनको सुविधा फोन मिले। जयपुर से टीम आती है, फोन करके जाता है, फोन नहीं करके जाता, उनको इतना ध्यान मरीजों को नहीं होता है, या उनका फॉलोअप भी अच्छा होगा। ये हमारा पहला इस प्रयास है कि अगर ये कैंप हमारा अच्छी तरह सक्सेस हुआ, हम चाहेंगे आने वाले वक्त में भीलवाड़ा की और गरीब जनता जो पेरिफेरी में चलता है उनको भी हम मेडिकल कॉलेज की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से उनको मदद करें, उनके इलाज के अंदर मदद करें। आगामी 16 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नगर परिषद सदस्य के नामांकन के प्रथम दिन शुक्रवार को किसी भी प्रत्याशी ने आवेदन नहीं किया। रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद पाली एवं उपखंड अधिकारी पाली रोहतांश सिंह तोमर ने बताया कि नामांकन के प्रथम दिन किसी भी प्रत्याशी ने आवेदन नहीं किया। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी 1 से 5 नवम्बर तक रविवार को छोड़कर कार्यालय समय प्रातः 10:30 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। सिद्धार्थ नगर पुलिस ने एक ट्राली गैंग को पकड़ा है। चोरी की 7 प्रेशर ट्राली समेत एक ट्रैक्टर बरामद कर पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। गैंग बनाकर घटना को देते थे अंजाम और नेपाल से सटे होने के कारण वहां बेच देते थे चोरी किए हुए सामान। मुखबिर की सूचना पर सदर थाना क्षेत्र के सोहस रोड पर किए पुलिस ने गिरफ्तार। एक ट्रॉली चोर गैंग इस क्षेत्र में सक्रिय है, जो हमारे किसान भाइयों के ट्रॉलियां जो कि अपने खेतों में या अपने खलिहान के पास खड़ी करते हैं, उसको मौका देख के उन सबको चुरा ले जाते हैं और उनको फिर
जाके दोबारा पेंट करके कहीं सेकंड हैंड या उसको उसको बेच देते हैं। इसके ऊपर हमने जो हमारी टीम थी वो इसके लिए सक्रिय थी और दिनांक 28 और 29 अक्टूबर को थाना सिद्धार्थ नगर में भी एक ट्रॉली चोरी की हमें सूचना प्राप्त हुई। इसके ऊपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिनका नाम सद्दाम था। उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने बाकी साथियों के बारे में हमें लापरवाही सूचना दी। उस सूचना पर हमारे द्वारा काम करते हुए उनके एक और साथी को आज गिरफ्तार किया है। उन साथी से हमारे को 7 ट्रॉलियां और बरामद हुई हैं। कुल मिला के 8 ट्रॉली अब तक इन गैंग से हमारे द्वारा बरामद की गई है। उनका एक साथी अभी फरार है, उसके संबंध में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। सिरोही जिले के ब्राह्म समाज की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह जयवीर मोमा स्टेडियम सोरडा में आयोजित हुआ, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों ने अपने अपने परगनों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। के द्वारा जोशी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टूर्नामेंट 3 दिवसीय जो है 29 से 31 तारीख तक उसका आयोजन जयवीर क्रिकेट स्टेडियम सोरडा में हो रहा है, जिसके आज प्रथम दिन है, 6 मैच चल रहा है। और इस मैच का उद्देश्य ये था कि प्रगनों को जानो, समाज के जो युवा बंधु खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को निखारना, आपसी भाईचारा और स्नेह मिलन, ये हमारा उद्देश्य था और उद्देश्य में हम सफल भी हुए हैं। अभी तक पहला दिन है, 2 दिन अभी भी बाकी है। 31 तारीख को फाइनल खेला जाएगा इस प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता के लिए हमारे साथ में कई भामाशाह जो हैं उन्होंने हमारा सहयोग किया, हमारे समाज के बंधुओं ने, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और मैं समस्त खिलाड़ियों से और भामाशाह से निवेदन करता हूं कि आप ऐसे सहयोग बनाए रखें और ताकि हम 3 दिवसीय जो टूर्नामेंट है उसको सफल बना सकें। और इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 16 टीमों ने भाग लिया है इस प्रतियोगिता में। अलग अलग प्रगणों से 16 टीमें आई हैं और 16 टीमों के नॉकआउट मैच होंगे। थैंक यू, ओके।